हरियाणा के बहादुरगढ़ में झज्जर रोड पर स्थित रतन ज्वेलर्स शॉप से लाखों रुपए की चोरी के मामला सामने आया है, जहां चोर रात के समय दीवार तोड़कर शोरूम के अंदर दाखिल हुए और 1400 किलो वजनी तिजोरी का गैस कटर की मदद से काटकर 100 ग्राम सोने और कई चांदी के जेवर लेकर फरार हो गए। दरअसल ज्वेलरी शोरूम के साथ वाली दुकान में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, लेकिन यह काम कई महीने से अटका हुआ था, लेकिन एक दो दिन पहले ही यहां कंस्ट्रक्शन का काम दोबारा शुरू हुआ और कल ही एक छोटी सी दीवार भी बनाई गई, जिसकी आड़ में छुपकर चोरों ने ज्वेलरी शोरूम की दीवार तोड़ दी और चोरी की इस वारदात को बड़े ही आराम से अंजाम देकर फरार हो गए। शोरूम मालिक ने बताया कि उनके परिवार की एक बेटी की शादी थी और सगाई के लिए गहने तैयार करके तिजोरी में रखे गए थे। ऐसा ये पड़ोसी दुकान बना रहा था, कम से कम 3 महीने हो गए और इसको कम से कम 500 बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी है कि भाई साहब ऐसे मत करो, आप इसमें थोड़ा तरीके तो करा लो, मेरे चोरी होने का डर है। पर यो नहीं मान्या, ना इसका ठेकेदार मान्या। ठेकेदार तो कई दिन कहा सुनी की हुई, फिर हम वहाँ थाने में गए, विनोद मुंशी था वहाँ पर संभाल का, उसने इसको कहा भी कि भाई दूसरे की फिक्र कर लो, पर ये फिर भी नहीं माने। आप देख लो क्या हालात हो गया मेरी दुकान के, तिजोरी चांदी तो भरी पड़ी थी, इसमें अंदाजा 100 ग्राम के करीब सोने का सामान था, कैश था नहीं। वही मामले में जिला पुलिस अधीक्षक का कहना है कि चोरों की गिरफ्तारी और पहचान के लिए कई टीमें बनाई गई हैं। उनका कहना है कि इस तरह की वारदात स्पेशल गिरोह ही अंजाम दे सकते हैं, इसलिए पिछले 5 साल के अंदर प्रदेश भर में हुई वारदातों के बारे में पता लगाया जा रहा है। जो कुछ चीज़ें तो अभी तफ्तीश का हिस्सा है, हम लोग सुबह करीब 9:30 बजे डिटेक्ट हुआ है। दुकान के जो मालिक है ओम प्रकाश वर्मा जी, इनकी दुकान है ये, करीब 9:30 बजे दुकान आके खोली थी इन्होंने। जब दुकान आके खोली, इनको जो तिजोरी वगैरह वो टूटी हुई मिली पड़ी हुई, तो ये आजकल क्योंकि शाम को 6 बजे दुकानें बंद हो जा रही हैं, तो 6 बजे दुकान बंद करके जाना इनका बताया गया है। परंतु 7 वाली लकड़ी दुकान जो आप लोग देख रहे हैं, इस दुकान में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है करीब 2.5 महीने से, तो इसी टूटी हुई दुकान का जो कंस्ट्रक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन दुकान था, इसका सहारा लेते हुए उन्होंने आड़ का फ़ायदा उठाते हुए अंदर दीवार को तोड़ के एंट्री करी है। अभी तक का जो एस्टिमेट है, इनका कहा है कि अभी 35 से 40 लाख रुपये की जो वैल्यूएबल ज्वेलरी है उनकी चोरी हुई है, तो इसके संबंध में हम लोग अभी तफ्तीश करना स्टार्ट किए हैं। जो मौके पर कुछ सामान पड़ा है उसके बारे में और CCTV फुटेज वगैरह उसका चेकिंग की जा रही है, और जो आसपास के जो कैमरे हैं उनकी फीड को हम चेक कर रहे हैं ताकि उसमें सस्पेक्ट लोगों को कार्रवाई की जा सके, क्योंकि ये कार्रवाई जो है बिना रेकी के हो नहीं सकती, तो इसमें हमें 4-5 दिन का डेटा और लोगों की जो दिनचर्या है एक्टिविटीज़ है उसको वॉच करना पड़ेगा। इस वारदात को पुलिस की सुरक्षा में चूक माना जा रहा है, क्योंकि कोरोना की वजह से शाम 6 बजे ही सारे बाजार बंद हो जाते हैं और रात के समय पुलिस भी गश्त की जाती है, लेकिन शहर थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर हुई ये वारदात पुलिस की सुरक्षा के वायदों की पोल खोल रही है। झज्जर से जगदीप राजजान। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।